तो देखो ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि कभी संस्कृत से रिलेट करती थी ये तो फिर हेलो डायनासोर, खुद से मिल लो, खुद आपसे मिलने आया है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और सबको दिल से हैप्पी संडे। पीछे कू हो चुके रेडी क्योंकि आज फाइनली इनको मैं ले जा रहा हूँ डॉल म्यूजियम साइंस में दिखाने, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था लेकिन वो फेल हो जाता था। एंड बीच में जब प्लान बना तो भाई इनकी यूटी चालू हो गए, तो फिलहाल अभी इनके दो दिन पहले यूटी ख़त्म हो गए। तो अब दो दिन से पीछे पड़े हुए पापा हमको, जो आपने कमिटमेंट करा था ना हमें ले चलो, तो अभी आज हम फाइनल जा रहे हैं और क्योंकि रेडी होने और बस मैं रह गया हूँ। भाई मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ। बहुत चिल्ला रही थी, मतलब सुबह 10 बजे चिल्ला रही हम लोगों के ऊपर कि भैया तैयार हो, लेट हो रहे हैं। और उसी टाइम में नहीं तैयार होने नहीं गई है, ये तो हुई थी ये तो अभी भाई होनी है। ए भाई कब तैयार होगी? तो क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम इतने बड़े दिल वाले हैं कि अपनी बाई को भी साथ ले जाते हैं। तो बस अभी हमारी बाई भी तैयार होगी। कोई दो राय नहीं है कि हम तो क्या करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम सुधा करती है, पूरा घर संभालती है, हमें संभालती है, बच्चों को संभालती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में कोई भी काम वाली बाई नहीं है, वो बात अलग है, हम उसे प्यार से बाई बोलते हैं। तो निकल चुके हैं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यार, संडे वाले दिन भी दिमाग ख़राब हो रहा है, मगर निकले ही बेकार। बट आज बच्चों को लेके आना भी ज़रूरी था क्योंकि बच्चे आज हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, बहुत दिनों से कह रहे थे। तो मैंने कहा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो पक्का घुमाने ले चलूँगी, तो आज एग्ज़ाम सिंह के ख़त्म हो चुके हैं कल ही, तो आज लेकर के जा रहे हैं हम इन लोगों को घुमाने के लिए। तो निकल चुके हैं हम लोग, बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, फ्यूल भरवाना है, फ्यूल देने के बाद निकलेंगे फटाफट। तो बच्चों कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा। बच्चों को आज ही बिलीव नहीं हो, आज भी कहते मम्मी आज भी हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं कहा बेटा चलेंगे, पक्का चलेंगे। तो मैंने कहा चलो आज चलते ही है, मेरा भी काम खत्म हो चुका था, मेरा भी कुछ काम था जो काम अब मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो भाजी तो हो रहा था, लग रहा कि बारिश हो रही है और कैसे जाएंगे, तो ये कह रहे थे कि देखते हैं। मैं कहा देखते नहीं है, बच्चों को बहुत दिनों से हम बोल रहे हैं एग्जाम से पहले से सारा समझ जाना किस तरह पे आप लोग समझ सकते हो, भांजी का सारा किस तरह पे कह रहे यार बारिश हो रही है कैसे चलेंगे। मैं कहा वो मुझे नहीं पता, आप कैसे लेके चलो। तो अभी टाइम हो गया फ्यूल डलवाने का, तो पहले गाड़ी में फ्यूल डलवा लेते। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग नेशनल साइंस म्यूजियम। बच्चे कितने एक्साइटेड, कितने एक्साइटेड है बच्चे। हम बस मतलब मैं आई होंगी, आई थी मैं 15 साल पहले, तो लेकिन मैं आ चुकी हूँ कम से कम 3 से 4 बार आ चुकी हूँ, लेकिन 15 सालों में तो काफी चीजें बदल गई होंगी। 15 सालों में काफी चीजें बदल चुकी होंगी। पार्किंग फुल है भाई। तो भाई यहाँ आज संडे और आज इतनी भीड़ है कि लाइन में खड़े हुए हम तो, और वो सामने देखो वो लग गया पार्किंग फुल का बोर्ड। तो आई होप कि अंदर जगह मिल जाए, वरना बाहर तो कहीं गाड़ी खड़ी करेंगे ना तो ये टो हो जाएगी। चलो बर्गर खुशबू आ रही है, ये गंदी है, कैंटीन में से आ रही, चलो चलो चलो। वही कर रहे हैं चलो। तो फाइनली लग गई है गाड़ी, पार्किंग में लगा दी है और अब चल रहे हैं काउंटर पे। सुधा लगी पड़ी है बहुत देर से लाइन में क्योंकि बहुत ही लंबी क्यू है, तो वो लगी है लाइन के अंदर। गाइस सामने लाइन देखना, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है काउंटर पे, मतलब लोग फुर्सत से खड़े हुए। चलो मम्मी सामने काउंटर पे लगी हुई है, देखो वो आगे ले ली टिकट उसने फाइनली, मतलब टिकट आकर आपने ले ली। कोई शो अवेलेबल नहीं है, फिर कोई भी शो अवेलेबल नहीं है। तो अभी क्या फिलहाल है फिर ये? बस एंट्री टिकट मिली है, चलो घूमते हैं ऐसे बस। इतने सारे शो है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। बच्चों नेक्स्ट टाइम आएंगे ना फिर दिखा देंगे। तो ये जादुई नल है। मैंने बोला ताला, मैंने बोला ताला पाइप है। फिर देखा आप लोगों ने पानी कहाँ से आ रहा है? देखिए टोटी में तो टोटी तो कोई कनेक्ट ही नहीं है। देखो
पन्नी लगी हुई, हमें पता नहीं चला, हमें लग रहा है जादू ही नल है। बजाओ ना सही से। ये क्या चीज है देखो, ये तो बहुत ही अल्टीमेट चीज है यार। बॉल देखना, बॉल कैसे जा रही है वहां से, वहां से पूरी राउंड करके, ऐसे पूरी राउंड करके फिर उसमें जाएगी। इसके बारे में हमें सुधा बताएगी। सुधा क्या है ये? सारे जो भी मेटल से चीजें बनाए थे ना, जो झुमकी बनाते थे पत्थरों से, झुमकी से हमें पहनना भी है। इसमें क्या करना था? सुधा को ज्यादा नॉलेज है क्योंकि कभी संस्कृति से रिलेट करती थी ये तो फिर इसको बजाओ इससे। पूना बुला रही हूँ, अंकल को बुला रही है। क्या चाहिए अंकल से? अंकल ये अंकल ना कुछ सामान बना रहे हैं। गाइस ये देखो, ये क्या कमाल की चीज है। तो जैसे जैसे साइकिल चलेगी वैसे वैसे वो भी चलाएगा साइकिल, वो भी चला रहा साइकिल। खुशी तो आपके साथ साथ चला रहा है। कुछ कर लो ना जल्दी से, हैंडशेक क्या करता है ये? पकड़ के दिखाएं मैं मम्मी। खुश हेड से करो, खुश आप करो, हेड से करो। डर गया ये तो, ये लड़का तो डर गया। साइंटिस्ट कैसे काम कर रही है ये? आज संडे लेकिन छुट्टी पे नहीं है ये भी आज। कैसी कैसी चीजें हैं अद्भुत। हेलो हेलो डायनासोर, खुद से मिल लो, खुद आपसे मिलने आया है। हेलो डायनासोर, आपसे कू मिलने आई है। बच्चा चढ़ गया है, अंकल इस लड़की की चिट्ठी आई है क्या? हाँ। नहीं, ये तो ऐसे
करके मैं भेज देती हूँ। बेचारी बहुत दिन इंतजार कर रही है। गांव से कुछ चिट्ठी आई अंकल क्या? मेरे पिया गए परदेश, वहाँ से कोई ना आया संदेश। तो आज इन लोगों में देशभक्ति जाग चुकी है। ये तो लाल किले में आ गए हम। ओह माय गॉड, बहुत ही मतलब क्या है बोलो, बहुत ही बेहतरीन जगह है और आप लोगों को मौका मिले तो जरूर आना देखने। चलो आ जाओ। थैंक यू। एक फाइनली हम लोग देख के सारा कुछ आ चुके हैं नीचे और अभी आ गए हम कैफेटेरिया में। अभी कर रहे पेट पूजा। फाइनली आज एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तुम अपना बता, तुम पहली बार आए हो? मैं सेकंड टाइम आया था। पहले फर्स्ट टाइम आया था जब मैं कहते चौथी पांचवी क्लास में था, जब आया था फोर्थ या फिफ्थ में जब आया था मैं। या अब आया हूँ, यहाँ से उठाएंगे अपनी गाड़ी और टाइम क्योंकि ज़्यादा हो गया है, 5 बज चुके हैं तो डॉल म्यूजियम भी बंद हो चुका होगा। तो ये आ गई अपनी गाड़ी। गेट बंद करो, गाड़ी आ रही, गेट बंद करो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर और टाइम हो गया है 7:35 और बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है क्योंकि रास्ते में इतनी जगह जाम मिला कि मतलब परेशानी हो गई। तो अब बहुत ज़्यादा थकावट है और हेडेक बहुत जोर की हो रहा है। तो सुधा हमारे लिए बनाएगी लवली सी प्यारी सी स्वीट सी चाय। सो बना लिया हमने अपनी चाय और चाय के बिना तो सच में सर में इतना दर्द हो रहा था ना, मतलब हैवी सा फील हो रहा था सर में। तो अब चाय पी रहे हैं हम लोग बैठ करके। और कैसा लगा आप लोगों को लोग जरूर बताइएगा। हम लोगों का प्लान जो था ना कि हम लोग बच्चों को ले जाएंगे मतलब डॉल म्यूजियम और साइंस म्यूजियम और राजघाट, 3 जगह का प्लान था। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसे टाइम हो गया घर पे, इतना टाइम लगा दिया बच्चों ने, मैंने, सबने मिलके कि मतलब काफ़ी लेट हो गया। हम वहाँ पहुँचे 2:30 बजे, है ना, 2:30 बजे पहुँचे। संडे था और दूसरी बात संडे था, इतनी ज़्यादा भीड़, कम से कम मेरे लाइन 75 बंदे लगे हुए थे लाइन में, समझ लो दोनों तरफ का मिला। सबसे बड़ी पता मेन बात क्या हुई कि हमको वो पार्किंग नहीं मिली और उन्होंने फुल पार्किंग का बोर्ड लगा दिया था। उन्होंने बोला अगर हमारे यहाँ पार्किंग लगानी है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि पहले कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। ये एक टाइम लग गया एटलीस्ट, आई थिंक नहीं तो 45 या 1 घंटे बाद हमारा नंबर आया। तो उसी में बज गया हम लोग को 4:15। हमने एंट्री कर दिया 4 बजे। हम बता, हमने 1.5 घंटा हम लोग को वहीं टाइम वेस्ट हो गया। और उन्होंने इतना बदतमीजी कर रखा है इन लोगों ने ना, मतलब गुस्सा थी जोर, कई लोग तो लड़ भी गए कि जब इतने सारे लोग हैं, रो दो दो है लेडीज और जेंट्स की, तो अपने काउंटर एक क्यों चला रखा है? एक ही काउंटर चल रहा था, उसमें से ही लेडीज की टिकट भी कटिंग हो रही थी और लेडीज जेंट्स की भी। इतना बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा, और बहुत बुरा दिन था आज का, मतलब समझो कि जाना ही बेकार था संडे वाले दिन। तो आज संडे वाले दिन था, आज के बाद कभी नहीं जाना ऐसी जगहों पे, वीक डेज में चले जाओ वो ज़्यादा बेस्ट है। हमने एक जगह और जा रहे थे वहाँ बोटिंग करने, लेकिन वहाँ भी इतना क्राउड था ना कि बिल्कुल हम देख के भागे। तो भाई हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। और गवर्नमेंट का टाइमिंग 6 बजे का कर रखा है कि 6 बजे के बाद कोई भी चीज़ किसी भी जगह पे कुछ भी होगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो 6 बजे के बाद तो फिर मतलब बच्चों ने भी काफी सारा फन करा, मजा आया, उन्हें एंजॉय किया बच्चों, और वो थोड़े नाराज थे कि उन्हें डॉल म्यूजियम नहीं ले गए हम। करेंगे तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए लव यू ऑल।